भाई तुम NH2 का हालत देख रहे हो ब्रो। ओ देखो, ओ गॉड, ओ देखो देखो इस इंसान को देखो। सुबह सुबह चद्दर वद्दर ओढ़ के क्या कर रहे हो तुम? अरे बाप रे, तुम लोगों को याद है एक ब्लॉग में मैं दिखाया था कि स्ट्रक्चर बन रहा है, और अभी देखो भाई। What's up, welcome back to this channel, बर कुमार प्रणाम और छोटो को ढेर सारा प्यार। आज है 22 जनवरी और आज फिर से संडे है। पिछला संडे को हमने राइड किया था और फिर आज संडे को हम राइड कर रहे हैं, लेकिन आज डेस्टिनेशन अलग है। और आज का जो फाइनल डेस्टिनेशन है ना, वो तो जन्नत है सबके लिए। क्यों जन्नत है? क्योंकि मेरा एग्जाम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अभी नेक्स्ट एग्जाम मेरा जो है वो है 9th of February। लंबा गैप है, तो हम आज संडे राइड कर रहे हैं। किधर? हम वापस घर जा रहे हैं मेरे भाई, घर जा रहे हैं हम। सही सुना? तो चलते हैं घर। और मैं जब जा ही रहा हूँ, आज संडे भी है, तो वही आजाद हिंद के ऊपर से ही जाएंगे, तो सोचा क्यों ना एक ब्लॉग ही बना लिया जाए। तो बस जुड़ जाइए हमारे साथ और अपना लाइफ का 10-15 मिनट निकाल के अपना भाई के लिए थोड़ा सा प्यार दिखा दीजिए। बहुत नजदीक हो अपने मंजिल का, बस थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट और प्यार का जरूरत है। चलिए ज्यादा लेट नहीं करते, चलते हैं पूरा वीडियो में, लेट्स गो। बॉयज फाइनली हम बहुत दिनों बाद घर जा रहे हैं आज। और पता है मेरा एग्जाम लास्ट था 19 को, तो एक दो दिन इधर रह लिया। अभी सोचे कि नेक्स्ट एग्जाम तो भाई 9 को है, मतलब लगभग 15-20 दिनों का गैप है, तो हम सोचे कि घर से थोड़ा घूम के आते हैं। अरे बाप रे, आज फिर से फॉग में ढका हुआ। अरे बाप रे, रास्ता का काम फॉर्म चल रहा है क्या? उस दिन तो ऐसा नहीं था भाई, उस दिन तो ऐसा नहीं था, लेकिन आज भी तगड़ा फॉग होके रखा है। बस NH पे फॉग नहीं होना चाहिए ब्रो। मेरे को लगा कि आज फॉग कम होगा, मैं जब सुबह उठा तो देखा फॉग थोड़ा कम है। उस दिन जैसा था उस दिन से तो कम है, तो मेरे को लगा आज कम होगा, इसलिए मैं निकल गया। नहीं तो मेरा प्लान था थोड़ा लेट निकलने का। अरे हमको टाटा टाटा बाय बाय, जल्द मिलेंगे ब्रो बगीरा के साथ बाय। काफी सारे बाइकर्स दिख रहे हैं मेरे को रोड पे, संडे है ना भाई, वो तो दिखेंगे। काफी सारा बाइकर्स है भाई, कोई लॉन्ग ट्रिप पे जाने का ना बहुत मन कर रहा है, लेकिन हो नहीं पा रहा ब्रो। ओ भाई ये चालू हुआ NH2 में सुपर बाइक्स का, भाई क्या आवाज है ना। ओ हो, इधर डोमिनर में भी भाई एग्जॉस्ट लगा के रेडी है भाई, फुल पावर। उफ, एयरगैजम ब्रो, एयरगैजम। वन डे ब्रो। उफ, One day, man. और ये ना हम डानकुनी टोल क्रॉस कर रहे हैं ऑलरेडी, तो इधर से और 143 किलोमीटर्स उसको भी पूरा करना है मेरे भाई। तो इधर बहुत सारा पब्लिक होता है, मतलब सुपर बाइक देखने के लिए बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। आज देखते हैं क्राउड है कि नहीं,
मेरे को थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। वो देख वो देख वो देख ओ देखो ओ गॉड ओ गॉड। बेनेली 600 भाई, इस सेगमेंट में तो ये स्क्रीमर है भाई, क्या चीखता है भाई, खतरनाक चीखता है बताए। ओ भाई सही है भाई, काफी तगड़ा है इसका, बहुत एग्जॉस्ट। ऊपर से एग्जिल लगा हुआ है क्या? नहीं कुछ और लगा हुआ है, नाम नहीं पढ़ पाया। बहुत तगड़ा है, सही है। ये अभी स्ट्रेच में फाड़ेगा ना तो आवाज सुनना तुम लोग। अब देखो स्क्रीमर है भाई 600 सीसी में, क्या चीखता है भाई। अभी तो भाई संडे बाइक के साथ साथ साइकिल भी देखने को मिल रहा है, काफी अच्छा लगा भाई देख के। ओ भाई यूट्यूब लोन राइडर्स, सही है भाई, बहुत सारा साइकिलिस्ट देखने को मिल रहा है ब्रो, सही है। ओ भाई देखो कितना तगड़ी साइकिलिंग चल रहा है भाई। ओ ब्रो सही है, देखो सब साइकिलिस्ट है। ओ भाई भाई तो पूरा करतूबे दिखा रहा है ब्रो, सही है भाई। तो इधर देख लो, ये था हम लोगों का पिछले संडे का डेस्टिनेशन आजाद हिंद ढाबा। वो देखो काफी सारा बाइकर्स तो है, लेकिन आज हम नहीं रुकेंगे, आज हम घर जा रहे हैं ना भाई। हम इधर से भी यू टर्न ले सकते हैं, ले क्या नहीं, आज अपन को घर जाना है भाई। चलो घर के लिए निकलते हैं और घर चलते हैं मेरे भाई, घर चलते हैं। ब्रो तुम NH2 का हालत देख रहे हो ब्रो, मान रहा हूँ कि रास्ता बन रहा है लेकिन काफी ज्यादा खराब हालत हो रहा है ब्रो, इतना लंबा लंबा जाम लग रहा है ना भाई, क्या गंदा फंस गया था। अभी निकला बस और उस जाम में खड़ा होकर क्या ही करता मैं, फिर क्या किया ना, उधर खड़ा होकर एक इंस्टाग्राम का स्टोरी दे दिया और ये व्लॉग आज शूट हो रहा है, फिर मैं घर जाऊंगा, फिर मैं एडिट करूंगा, फिर आप लोग देखने के लिए पाओगे। लेकिन इंस्टेंट जो अपडेट होता है ना वो तो बस इंस्टाग्राम पे ही आता है मेरे भाई, तो अगर नहीं फॉलो कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, ये देखो ना तुम्हारा स्क्रीन के ऊपर आ रहा है ना, कर लो फॉलो, इंस्टेंट तुरंत अपडेट मिल जाएगा। और व्लॉग कब लाइव हो रहा है, नहीं हो रहा है, कब आने वाला है, क्या होने वाला है, इंस्टेंट अपडेट्स के लिए फॉलो करना मांगता है मेरे भाई। वर्धमान इधर से 22 किलोमीटर और मेरा घर इधर से पक्का पक्का 80 किलोमीटर, तो चलो चलो मेरे भाई चलो। तो इस पॉइंट पे आकर अभी हम NH2 को बोलेंगे टाटा बाय बाय गुड नाइट और लेंगे राइट टर्न और निकल जाएंगे बोलपुर के लिए, और सीधा जाना हो तो दुर्गापुर जा सकते हैं, लेकिन NH को कहना पड़ेगा बाय बाय, क्योंकि उधर से घूम घूम के तो हम नहीं जाएंगे मेरे भाई। अभी इधर से होके दाएं तरफ लेके निकल जाएंगे हम बोलपुर, मेरा होम टाउन, लेट्स गो। चलो बढ़िया है, हम लोग वर्धमान आ चुके हैं और इधर से मेरा घर 1 घंटा 12 मिनट दिखा रहा है, वही लगेगा 1 घंटा 30 मिनट, सही है। काफी दिनों बाद घर, एक्साइटमेंट इंटू 100 इंटू 1000 भाई, कितना कुछ हो रहा है। इतना मैथ्स में मत जाओ, मेरा मैथ्स बहुत वीक है मेरा भाई। एक और बात मैं तो कहना भूल ही गया था, ये लास्ट वीडियो होगा जो तुम लोग जो इंट्रो देखते हो ना उसका म्यूजिक मैं थोड़ा सा बदलने वाला हूँ। मैं तुमको कह रहा था ना कॉपीराइट का इशू वगैरह आ रहा है, तो इस वीडियो में शायद से नहीं होगा, इस वीडियो में जो पहला वाला था वही आएगा। इसका बाद से जो जो भी व्लॉग आएगा ना विथ अ न्यू म्यूजिक और सिनेमेटिक्स में थोड़ा बहुत चेंजेस तो आ सकता है,
क्योंकि वो म्यूजिक बीट को सिंक कराना होता है ना। तो चलो देखते हैं। और ये हम घुसकोरा क्रॉस कर रहे हैं और इधर ना एक बहुत फेमस काली पूजा होता है इस टाइम को भाई, इतना बड़ा मेला लगता है ना, हम आएंगे उसमें। और भाई क्या तगड़ा म्यूजिक म्यूजिक बज रहा है भाई, मेरे को नजरे का मन हो रहा है। सही है, तगड़ा म्यूजिक बज रहा है भाई, तगड़ा। और इस जगह से मेरे को बहुत ज़्यादा लगाव है भाई घुसकोरा से। अब जिनको पता है पता है, और जिनको नहीं पता है ठीक है भाई, एक ना एक दिन तो पता लगना ही है। और ये सामने ना एक दोस्त मेरा वेट कर रहा है, वो बोला कि मेरे घर के सामने से जा रहे हो, मेरे से मिल के जाना तुम। हाँ मैंने बोला सही है, हाँ जी। चादर वद्दर पहन के वेट कर रहा है भाई, चादर वद्दर पहन के वेट कर रहा है। देखो देखो इस इंसान को देखो। सुबह सुबह चादर वद्दर ओढ़ के क्या कर रहे हो तुम? धूल है भाई, धूल है। ये देखो ओ, अरे पोर तो भूले गए जी। सो हम अपने घर का काफी करीब आते हुए, और ये ऑफ रोड, कितना दिनों बाद बगीरा ऑफ रोड पे चल रहा है, हा? कितना दिनों बाद, हा? सही है, क्योंकि ये फ्लाईओवर बन रहा है ना पूरा, तो इसका रास्ता का भाई, इसकी तो ऊ आ ई हो चुका है। मैं जो बोलना चाह रहा था वो मैं स्किप कर गया, कंटेंट थोड़ा फैमिली फ्रेंडली है ना, रास्ता का तो पूरा हो चुका है भाई। ओ भाई उधर से ऑलमोस्ट भाई फ्लाईओवर का पिलर विलर बस सब बन गया था, स्ट्रक्चर इधर बस बनना बाकी है, बहुत जल्द चालू कर देगा लगता है भाई। हाँ? सही है, अब जितना जल्दी हो जाए वही तो हमारे लिए अच्छा है, उड़ उड़ के जाएंगे मेरे भाई। अरे बाप रे, तुम लोगों को याद है एक ब्लॉग में मैं दिखाया था कि स्ट्रक्चर बन रहा है, और अभी देखो भाई पूरा स्ट्रक्चर बन चुका है, तुम समझ रहे हो? माय गुडनेस, बन चुका है मेरे भाई, वो देखो। सही है भाई, ओ भाई वो फ्लाईओवर आके इधर एकदम बूम बाम, आहा हा स्वाद होगा ये रास्ता भाई, ये रास्ता ना स्वाद होगा भाई। कितना दिनों बाद बोलपुर का बाईपास, हाँ ब्रो कितना दिनों बाद ये बोलपुर का बाईपास भाई, रास्ता एकदम कितना मक्खन हो गया भाई इधर, मक्खन। हाँ भाई स्वाद आ रहा है इधर चला के अब तो। और फिलहाल घर के तो बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं हम, तो ये व्लॉग को अगर किसी भी रीज़न से तुमको पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना है, अपना मंजिल के बहुत ज़्यादा करीब हूँ, बस थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट दिखा दो मेरे भाई, बस इतना ही दुआ है तुम लोगों से, बाकी सब बढ़िया है। बस किसी भी रीज़न से ये ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना प्लीज़, और बस थोड़ा प्यार दिखाते जाओ, मैं ब्लॉग लाने का कोशिश तो कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए, और बाकी सब बढ़िया है। घर चलते हैं, और थोड़ा सा आराम का ज़रूरत है मुझे, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट लेना है मेरे को थोड़ा सा। अब क्या होगा मेरे को नहीं पता, क्योंकि बाइक लेके आया हूँ तो घूम भी सकता हूँ, अब पता नहीं क्या होगा, लेट्स सी। और दोस्त लोग मिलकर अगर कहीं घूमने जाने का प्लान हुआ तो उसका भी व्लॉग ज़रूर आएगा मेरे भाई। तो इसी बात पे इस व्लॉग को एंड करते हैं, और बाकी सब बढ़िया है, बस थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय 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 बाय, टेक केयर, बाय बाय। Hey, Bill, I'm in the mood for a switcher. I hit the function, hit the rosé till I hiccup. I hit the stage and leave with money.